मारो मोटिया 4 महीना बीमार रिया, मैं खत्म होगा। अब गरीबी हाल है, 4 तो छोरिया, 1 छोरो, कमाने वाला कोई है नहीं, थे की सहायता करो। हमारा मकान ही नहीं है साहब, बनी जोड़ो, मदद करो, गरीब आदमी है साहब, कोई सुनवालो नहीं है, गाड़ी की किस्त भरे कौन, कमा बड़ो नहीं रही हो कोई, आज मजबूरी हूँ तो बात करनी पड़ी मैंने, मारी मजबूरी सुन लीजियो, समझ लीजियो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। नहीं रहा घर का कमाने वाला इकलौता सहारा, परिवार खाने तक को हुआ मोहताज, परिवार बच्चे चूल्हे पर जल रही आग और सामने खड़ी गाड़ी। ये हालात एक ऐसे घर के हैं जहां घर का इकलौता सहारा समय से पहले चल बसा। ड्राइवर भाइयों, ये कहानी एक ऐसे ड्राइवर भाई की है जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और पीछे छूट गया एक बेसहारा परिवार। जब एक ड्राइवर दुनिया से जाता है तो पीछे परिवार दाने दाने का मोहताज हो जाता है। दरअसल ड्राइवर थे मुंशी श्याम, जो कि 47 साल के थे और नागौर राजस्थान के रहने वाले थे। इन्होंने अप्रैल 2022 में एक गाड़ी खरीदी थी जिसकी 29 किश्तें थी, जिसमें से कुछ किश्तें ये दे चुके थे और 3 किश्तें टूट गई थी, वो भी इस कारण क्योंकि मुंशी श्याम बीमार हो गए। बीमारी के लिए पैसा लगा, 4 महीने बीमार रहे तो सारे पैसे बीमारी में लग गए, जिसके बाद नवंबर में इनकी मृत्यु हो गई और पीछे छूट गया परिवार। बेटा स्कूल में पढ़ता था पर घर पालने के लिए बेटे को स्कूल छोड़ना पड़ा और छोटा मोटा काम करना पड़ा, कभी काम मिलता और कभी नहीं, पर मजबूरी कहाँ छोड़ती है। अब हालात देख ही रहे हैं कि इनके पास खाना बनाने का भी कोई उचित साधन नहीं है, जिसके कारण परिवार ये गुहार लगा रहा है कि फाइनेंस कंपनी उनकी किश्तें माफ कर दे ताकि गाड़ी छूट जाए और घर चलाने के लिए साधन मिल जाए। इन्होंने 1,53,000 का लोन करवाया था। परिवार हर तरफ से असमर्थ है और ये सभी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पर संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर दिखा रहे हैं। अगर कोई भी एनजीओ, कोई भी गाड़ी मालिक, कोई भी ड्राइवर मदद करना चाहे तो कर सकता है। इस सब को देख कर ये बात जरूर लगती है कि जब ड्राइवर लापरवाही से चलते हैं और कई जाने जाती है तो क्या हाल होता है उनका, उनके घर वालों का। आपने एक स्लोगन रोड पर अक्सर पड़ा होगा, आपका घर पर कोई इंतजार कर रहा है। ये याद दिलाता है कि परिवार आपके लिए चिंता कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि लापरवाही ना करें, तेज ना चलें, खुद की और दूसरों की जान की दुश्मन ना बने, क्योंकि आपकी एक गलती या एक लापरवाही आपके परिवार के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन सकती है। फिलहाल आज के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।